सलाम अलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह सबको खैर खैरियत के साथ रखे। आज हम बना रहे हैं मुर्ग चने। उसकी रेसिपी आपको देती हूँ। मेरे पास है 1/2 kg चिकन, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1/4 कप ऑयल, 1 बड़े साइज़ का या मीडियम साइज़ ले लें टमाटर, 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। मसालों में हमारे पास है 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। जी, हमारे पास है 1 टीस्पून जो है वाइट ज़ीरा है, और थोड़ा सा टुकड़ा हमारे पास दालचीनी का है, 2-3 लौंगे हैं और आधा टी स्पून के करीब हमारे पास काली मिर्चें हैं, 10-12 होंगी, और 2-3 हमारे पास छोटी इलायचियाँ हैं, बिल्कुल ज़रा सा जौस जवत्री है और एक ये तेज़पत्ता है। ये सब हम पीस लेंगे, एक पाउडर सा बना लेंगे इनका। और 1 कप हमारे पास बॉयल्ड वाइट चने हैं और ये 1 टेबल स्पून हमारे पास लाल मसूर की दाल है जो हमने बॉईल करके रखी है। ये आप ना भी डालना चाहें तो पका सकते हैं, डालेंगे तो ज़रा टेस्ट इसका मज़ीद अच्छा हो जाता है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ऑयल डालेंगे हम, प्याज भी डाल देंगे, तो प्याज को हमने गोल्डन करना है। जी, ये देखिए हमारी प्याज हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसे टमाटरों के साथ इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट बनाना है हमें। का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। जी, इसमें अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ये सब हम एक साथ डाल देंगे। और इसमें हम अपनी चिकन भी ऐड कर देंगे। तो चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे इसमें, चिकन को इसमें हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। चूल्हा हमने मीडियम रखा हुआ है। अब इसमें जो हमने प्याज और टमाटर पीसा था, फ्राई प्याज और टमाटर जो हमने पीसा है, इसमें पेस्ट बनाया, ये पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे हम। और इसको भी भूनेंगे।
ये हमें बिल्कुल पानी खुश करके और इसको अच्छे से भूनना है। छोले जो बॉईल करते हैं वो भी मैं भूल गई आपको बता दूं, उस वक्त नहीं बताया था मैंने। आप उनको रात को ही नमक और सोडा डाल के भिगो देंगे पानी में और सुबह वॉश करके उन्हें बॉईल कर लें तो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और अगर आपको जल्दी हो तो आप उसको 2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, थोड़ा सा गलने में फिर वो लेकिन टाइम लेंगे। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया, पानी इसका खुश्क हो गया, ये अच्छे से भून गया। थोड़े से 1-2 हाथ और चलाएंगे और फिर इसमें हम पानी डालेंगे। अच्छे से भूनना है आपने इसे। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी, 1-1.5 कप पानी डाल देंगे हम और चिकन को गलाएंगे। मीडियम हीट पे इसे अब 10-15 मिनट हम पकाएंगे, इतनी देर के हमारी चिकन गल जाए। जी अब हम इसे चेक करते हैं, हमारी चिकन जो है ये तकरीबन गल चुकी है। हम इसमें डालेंगे ये मसूर की दाल जो हमने 1 टीस्पून बॉईल की थी, 1 टेबल स्पून बॉईल की थी, इसको ऐड करेंगे। ये बॉईल चने जो हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से इसे चला देंगे। चूल्हा तेज करके 1 दफ़ा पकाएंगे, फिर चूल्हा हल्के चूल्हे पे इसको 5 मिनट दम पे लगाएंगे। और अपना ये मसाला जौस, जवत्री, जीरा, काली मिर्चें जो सब मैंने आपको दिखाया था और इसका पाउडर बना लिया था, ये थोड़ा सा बचाएंगे ऊपर से डालने को और बाकी इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मैं बचाऊंगी ऊपर से छिड़कने को और बाकी मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके डालते ही। चने मैं तो पहले ही से बॉईल करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं कि चने आपके जो बॉईल हुए हुए फ्रीज़र में हो आप उन्हें जितनी ज़रूरत हो उतने ले लें, क्योंकि 1 पाव चने, 1/2 किलो चने आप बॉईल करें टाइम ही वेस्ट होता है, लिहाजा 1 किलो 1 दफ़ा में बॉईल करके रख दें और जितनी ज़रूरत हो जब चाट बनानी है या चने का पुलाव या जो कुछ भी तो आप उसमें निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये देखें पकने लगा, अब हम इसे 5 मिनट को हल्की आंच पे दम पे रखेंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा। अच्छा इसमें ये मैंने 1/2 नींबू भी डाला है। हल्की सी खटास इसमें अच्छी लगेगी और अगर आपको नहीं पसंद हो तो बेशक आप ना डालें। जी हमारे मुर्ग चने जो है तैयार हो गए हैं, अब इसका चूल्हा ऑफ कर दूंगी मैं और 1 टेबल स्पून इसमें मैं घर का मक्खन डालूंगी, आपके पास हो तो आप भी डाल दें, बहुत सौंधा और अच्छी खुशबू हो जाएगी इसकी।
और इसको हम डिश आउट करेंगे, फिर वो जो हमने मसाला बचाया है वह ऊपर से डालेंगे। और इसको अभी हम 2 मिनट बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। उसमें हम गार्निश करेंगे अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए से, आपको करके दिखाते हैं। जी, मुर्ग चने हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं, ख़ास लाहौरी स्टाइल के हैं ये और बड़े मशहूर वहाँ के हैं मुर्ग चने, उस रेसिपी पे मैंने बनाए हैं। उम्मीद है आप ज़रूर बनाएंगे इसको, रोगनी नान और सादे नान के साथ खाएं और इंजॉय करें, और फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।